हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा के संरक्षण की बात मुखर होती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं सरहदी बाड़मेर के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल की, जो कल तक लाखों रुपए बिजली के लिए खर्च करता था, लेकिन अक्षय ऊर्जा को अपने कल का आधार बनाने के बाद आज अपने ही उत्पादित ऊर्जा से रोशन हो रहा है। इतना ही नहीं, सालाना 13 से 15 लाख की बचत भी कर रहा है। सरहदी बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऊर्जा के संरक्षण को लेकर किसी नजीर से कम नजर नहीं आता। इन दिनों सरकार की ओर से ऊर्जा संरक्षण पर काफी अधिक जोर दिया जा रहा है। इस मामले में सरकारी विभागों में सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने की पहल की जा रही है। सरहदी बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छत पर इन दिनों ऊर्जा संरक्षण की मिसाल बनी नजर आती है। अस्पताल की छत पर 220 के वाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। ये सौर ऊर्जा का प्लांट निःशुल्क लगाया गया है। ये प्लांट यहाँ प्रतिदिन लगभग 1000 यूनिट ऊर्जा का उत्पादित कर रहा है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से शेरशाह सोलार SPV2 प्राइवेट लिमिटेड के साथ 25 साल का पावर परचेस अग्रीमेंट PPA साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा लगाने से लेकर 25 वर्षों तक देखभाल का संपूर्ण कार्य इसी कंपनी द्वारा बिना किसी लागत के किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरहदी बाड़मेर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की सप्लाई राज्य के अस्पताल को मात्र 3.20 रुपए प्रति यूनिट की दर से की जा रही है, जबकि इससे पहले अस्पताल प्रबंधक पहले वर्षों तक लगभग 9 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदते थे। अब यहां सौर ऊर्जा लगाने के बाद अस्पताल को लगभग 18 से 20 लाख रुपए की सालाना बचत हो रही है। इस बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी ये संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर एल मंसूरिया, PMO राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। सोलर बिजली जो है हमारे रूफटॉप सोलर प्लांट लगा हुआ है और वो 220 किलोवाट का प्लांट है। 1000 यूनिट वो प्रतिदिन जो एनर्जी जनरेट करती है, और जो ये कंपनी है वो बहुत ही सस्ते दरों पे 3.20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो शायद चार्ज कर रही है, जबकि मार्केट रेट जो है वो करीब 9 रुपये के आसपास है। तो इससे एक तो ये है कि पर्यावरण संरक्षण, इसमें पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो रही। दूसरा, अस्पताल को जो है सस्ती रेट पे जो है बिजली मिल रही है और वो लगातार मिल रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।